हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। पिछले ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आप लोगों को ट्राई, कैच एंड फाइनली बताया था। आज हम लोग इन तीनों के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखेंगे कि ट्राई के साथ मैं कितने कैच ब्लॉक लगा सकता हूँ, फाइनली ब्लॉक में कहाँ लगा सकता हूँ, क्या मैं इन तीनों को अलग अलग लगा सकता हूँ या नहीं। तो जितनी भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, आज हम लोग ये सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करेंगे। ओके, तो देखो पिछले ट्यूटोरियल्स के अंदर मैंने आप लोगों को ट्राई, कैच एंड फाइनली का सिंटेक्स तो बता ही रखा है। देखो, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली सिर्फ अकेला ट्राई ब्लॉक लगाता हूँ तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? नहीं है। अगर मैं अकेला ट्राई ब्लॉक लगाता हूँ तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओके, देन अगर मैं सिर्फ कैच ब्लॉक लगाता हूँ, दैट इज कैच एक्सेप्शन ई ब्रेसेस स्टार्ट एंड ब्रेसेस क्लोज, तो क्या अकेला ये चीज़ पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ फाइनली, अगर मैं अकेला फाइनली ब्लॉक लगाता हूँ तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? नहीं है। तो ये तीनों अलग अलग पॉसिबल नहीं है। क्लियर है पॉइंट? देन ट्राई कैच, ट्राई कैच का अगर हम सिंटेक्स चेक करें, देखो मैं ये चीज लिख सकता हूँ ट्राई, ट्राई के बाद मैं कैच ब्लॉक लगा सकता हूँ एक्सेप्शन ई ब्रेसेस स्टार्ट एंड ब्रेसेस क्लोज। ओके, तो ट्राई एंड कैच ब्लॉक दोनों साथ आएंगे, अलग अलग पॉसिबिलिटीज नहीं है। ओके, देन ट्राई के साथ क्या मैं मल्टीपल कैच ब्लॉक लगा सकता हूँ? हाँ, अगर मैं यहाँ पर कैच ब्लॉक मल्टीपल लगाना चाहता हूँ तो मैं लगा सकता हूँ, बट अगर ऊपर पेरेंट क्लास आ जाती है, एक्सेप्शन इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द एक्सेप्शंस इन जावा, तो पेरेंट क्लास एक्सेप्शन है। अगर फर्स्ट कैच ब्लॉक के अंदर पेरेंट क्लास आ जाता है तो मैं सेकेंड कैच ब्लॉक नहीं लगा सकता, ये चीज ध्यान रखना। ओके, बट अगर यहाँ पर कोई दूसरी एक्सेप्शन क्लास नेम मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई, तो उसके बाद मैं नीचे की साइड एक्सेप्शन ई प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक पॉसिबल हैं, बट फर्स्ट कैच ब्लॉक के अंदर चाइल्ड क्लास आनी चाहिए, सेकेंड कैच ब्लॉक के अंदर पेरेंट क्लास आ सकती है। क्लियर है पॉइंट? अगर मैं ऊपर एक्सेप्शन लिख देता हूँ, नीचे अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिखता हूँ, तो वो चीज गलत हो जाएगी। ओके, तो ये था ट्राई, कैच एंड कैच का कॉम्बिनेशन, मींस एक ट्राई के साथ मैं मल्टीपल कैच ब्लॉक लगा सकता हूँ। अब क्या मैं यहाँ पर अर्थमेटिक एक्सेप्शन एंड अर्थमेटिक एक्सेप्शन, दो बार अर्थमेटिक एक्सेप्शन लगा सकता हूँ? नहीं। अगेन ध्यान रखना, दो सेम क्लासेस में कैच ब्लॉक के अंदर प्रोवाइड नहीं कर सकता। क्लियर है पॉइंट? देन नेक्स्ट इज, क्या मैं एक कैच के अंदर अर्थमेटिक एक्सेप्शन एंड दूसरे के अंदर कोई दूसरी क्लास नेम प्रोवाइड कर सकता हूँ? हाँ, अगेन ये भी पॉसिबल है। अगर आप यहाँ पर कोई दूसरी क्लास नेम प्रोवाइड करते हो, फॉर एग्जाम्पल एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ई, अगर मैं ये वाली क्लास का नेम भी प्रोवाइड करता हूँ, ये तब भी करेक्ट है। क्लियर है पॉइंट? ये दोनों ऊपर नीचे आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक, बट फर्स्ट कैच ब्लॉक के अंदर पेरेंट क्लास नहीं आनी चाहिए, सेकंड कैच ब्लॉक के अंदर पेरेंट क्लास आ सकती है। अगर फर्स्ट कैच ब्लॉक के अंदर पेरेंट क्लास आ जाती है तो नीचे मैं दूसरा कैच ब्लॉक नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि जितनी भी एक्सेप्शंस ट्राई के अंदर आएंगी वो सारी की सारी तो एक्सेप्शन क्लास हैंडल कर ही लेगा, फिर मैं यहाँ पर दूसरा कैच ब्लॉक क्यों लगाऊं जब उसकी नीड ही नहीं, सारी एक्सेप्शंस तो एक्सेप्शन क्लास हैंडल कर ही लेगा। तो अगर मैं यहाँ पर एक्सेप्शन लिखता हूँ तो मल्टीपल कैच ब्लॉक लगाने की नीड मुझे नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट, ट्राई के साथ मैं दूसरा ट्राई ब्लॉक लगा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल ट्राई, तो ट्राई के अंदर मैं ट्राई कैच ब्लॉक अगेन लगा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर भी ट्राई के बाद कैच ब्लॉक आना चाहिए। तो जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कैच ब्लॉक यहाँ पर भी आएगा। तो ट्राई कैच के अंदर, ट्राई के अंदर मैं एक और ट्राई कैच ब्लॉक लगा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, देन क्या कैच ब्लॉक के अंदर हम लोग ट्राई कैच लगा सकते हैं? हाँ जी, मैं ट्राई के बाद अगर कैच ब्लॉक लगाता हूँ
तो कैच के अंदर फिर से मैं ट्राई कैच ब्लॉक लगा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है पॉइंट? यहाँ पर क्लास नेम आती रहेगी, देन दिस इज ट्राई, दिस इज कैच एंड दिस इज ट्राई कैच। ओके, तो ट्राई नेस्टेड ट्राई कैच में कहीं पर भी लगा सकता हूँ, ट्राई के अंदर भी ट्राई कैच लगा सकता हूँ एंड देन कैच के अंदर भी मैं कैच ब्लॉक लगा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देन फाइनली अगर मुझे लगाना है तो फिर मैं किस टाइप से लिख सकता हूँ, ट्राई, ट्राई के बाद मैं कैच ब्लॉक में लगा सकता हूँ जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, एंड ट्राई कैच के बाद मैं फाइनली ब्लॉक लगा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ट्राई कैच एंड फाइनली मैं इस टाइप से लगा सकता हूँ, ये भी पॉसिबल है। ओके, देन मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, दैट इज ट्राई, ट्राई के बाद मैं डायरेक्टली फाइनली ब्लॉक लगा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स के ट्राई के साथ मैं कैच ब्लॉक भी लगा सकता हूँ, ट्राई के साथ मैं फाइनली ब्लॉक भी लगा सकता हूँ। अगर आप कैच ब्लॉक नहीं लगाओगे ये तब भी करेक्ट है, बट एक्सेप्शन हैंडल नहीं हो पाएगी उस केस में, ये चीज ध्यान रखना। ओके, बट ये भी पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंपाइल भी होगा और एग्जीक्यूट भी होगा सक्सेसफुल। ओके, देन फाइनली के अंदर अगर आप ट्राई कैच ब्लॉक लगाना चाहते हो तो वो भी पार्ट हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो ट्राई कैच के अंदर भी मैं, सॉरी, ट्राई फाइनली, फाइनली ब्लॉक के अंदर भी मैं अगेन ट्राई कैच लगा सकता। ओके, बट अगर आप इसको इस टाइप से लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिखा ट्राई फाइनली, और फाइनली के बाद अगर मैं कैच ब्लॉक लगाता हूं तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, ये चीज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, अब इस केस में ये चीज भी ध्यान रखना, अगर मैं ट्राई ब्लॉक लगा दिए मैंने यहां पर, और ट्राई ब्लॉक के बाद अगर मैं कोई दूसरी स्टेटमेंट लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां पर प्रिंट वाली स्टेटमेंट लिख दी, system.out.println फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिख दिया 1। ओके, और फिर जाकर मैं यहाँ पर कैच ब्लॉक लगाता हूँ तो अगेन ये क्या काम करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करवा देगा, कैच एक्सेप्शन क्लास नेम, और यहाँ पर ये वाला ब्लॉक पॉसिबल नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। ये क्या बोलेगा, ट्राई विदाउट कैच, क्यों, क्योंकि आपने बीच में कोई दूसरी स्टेटमेंट लिख दी, तो अगेन ये चीज भी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो एक बार ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज मैं आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू भी बता देता हूं कि किस केस में प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा और किस केस में नहीं होगा। ओके, तो देखो, तो यहां देखो, यहां पर मैंने नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर दिया और एक क्लास क्रिएट कर दी, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट के नेम से, और इसके अंदर एक मैंने मेन मेथड भी क्रिएट कर दी है, दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ओके, अब देखो, अगर मैं अकेला यहां पर लगाता हूं सिर्फ ट्राई, ओके, तो मैं ये वाला प्रोग्राम एक बार कंपाइल करके देखता हूँ क्या बोलता है। देखो, प्रोग्राम मैंने सेव किया डी ड्राइव के अंदर, जावा प्रोग्राम्स के अंदर टेस्ट डॉट जावा के नेम से, देन कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, डी ड्राइव के अंदर गए, देन सीडी स्पेस जावा प्रोग्राम्स, देन जावा सी स्पेस टेस्ट डॉट जावा, प्रोग्राम को मैंने कंपाइल किया, तो ये देखो ये क्या बोल रहा है, ट्राई विदाउट कैच फाइनली और रिसोर्स डिक्लेरेशन ट्राई, तो ट्राई विदाउट कैच का ये एरर शो करवा देगा। अगर मैं यहां पर लिखता हूं सिर्फ अकेला कैच ब्लॉक एक्सेप्शन ई, फिर इसको मैं सेव करता हूं, अगेन मैंने कंपाइल किया, तो ये देखो ये क्या बोल रहा है, कैच विदाउट ट्राई। और अगर मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, फाइनली ब्लॉक में लगा देता हूं, अगेन प्रोग्राम को आप सेव करो, अगेन कंपाइल करो, तो ये देखो ये क्या बोल रहा है, फाइनली विदाउट ट्राई। कैच के केस में क्या दे रहा था, कैच विदाउट ट्राई, फाइनली के केस में दे रहा है फाइनली विदाउट ट्राई, अगर ट्राई अकेला मैं लगाता हूं तो ट्राई विदाउट कैच और फाइनली और रिसोर्स डिक्लेरेशन। अब ये ट्राई विद रिसोर्स जो पार्ट है ये मैं आपको आगे के ट्यूटोरियल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो तीनों पार्ट में अलग अलग प्रोवाइड नहीं कर सकता। ओके, अब हम लोग करते हैं ट्राई एंड देन कैच ब्लॉक, क्या ट्राई एंड कैच ब्लॉक में लगा सकता हूँ, ये तो पॉसिबल है, इसके ऊपर तो हमने बहुत बार प्रोग्राम्स भी बना लिए। देखो, कंपाइल किया मैंने प्रोग्राम, तो ये देखो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। ओके,
अब यहां पर कैच ब्लॉक के बाद में दूसरा कोई एक्सेप्शन फिर से मैं सेम एक्सेप्शन प्रोवाइड कर देता हूं। यहां पर देखो कैच ब्लॉक एक्सेप्शन ई एंड सेकेंड कैच ब्लॉक के अंदर भी मैंने पेरेंट क्लास का नेम प्रोवाइड कर दिया। तो यहां देखो यहां पर देखते हैं क्या एरर प्रोवाइड करता है। ये देखो एक्सेप्शन एक्सेप्शन हैज ऑलरेडी बीन कॉट, क्योंकि सारी की सारी एक्सेप्शन जब एक्सेप्शन क्लास हैंडल कर लेगा तो मैं दोबारा से एक्सेप्शन क्लास क्यों लगा रहा हूं। ओके अगर मैं यहां पर लिखता हूं अरिथमेटिक एक्सेप्शन तो फिर देख लेते हैं क्या ये आपके बार कंपाइल होगा। ट्राई करके देखो, ये देखो अगेन क्या बोल रहा है, एक्सेप्शन अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैज ऑलरेडी बीन कॉट। तो ये एक्सेप्शन अरिथमेटिक एक्सेप्शन भी एक्सेप्शन क्लास कॉट कर लेगा, हैंडल कर लेगा, आपको अरिथमेटिक एक्सेप्शन लगाने की नीड नहीं है। ओके बट अगर मैं यहां पर लगाता हूं एक्सेप्शन और यहां पर मैं लगाता हूं नीचे की साइड एक्सेप्शन, ऊपर मैंने कर दिया अरिथमेटिक एक्सेप्शन, तो क्या ये चीज पॉसिबल है। अगेन सेव किया मैंने प्रोग्राम, कंपाइल करो, ये देखो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। डेट मीन्स के फर्स्ट कैच ब्लॉक के अंदर जो क्लास नेम आएगी एक्सेप्शन की वो चाइल्ड क्लास आएगी एंड सेकेंड के अंदर कौन सी आएगी, पेरेंट। अगर ऊपर आप पेरेंट क्लास का नेम प्रोवाइड कर देते हो तो नीचे सेकेंड कैच ब्लॉक हम लोग नहीं लगाएंगे, अगर लगाते भी हो तो वो उसकी पेरेंट क्लास होनी चाहिए, नीचे चाइल्ड क्लास में प्रोवाइड नहीं कर सकता। ओके देन क्या मैं ट्राई कैच के बाद फाइनली ब्लॉक डायरेक्टली लगा सकता हूँ? हाँ ये तो हम लोग लगा सकते हैं, ये मैं पहले के ट्यूटोरियल्स के अंदर भी बता चुका हूँ। ये देखो प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पर फाइनली ब्लॉक को ऊपर कर देता हूँ और कैच ब्लॉक में नीचे करता हूँ तो क्या अब की बार प्रोग्राम कंपाइल होगा? ये देखो ये क्या बोल रहा है, कैच विदाउट ट्राई। क्यों? क्योंकि ट्राई और फाइनली तो यहां पर एक ब्लॉक उन्होंने बना लिया, तो कैच ब्लॉक ये अलग ही रह गया। तो मुझे क्या करना है, इसके लिए अलग से कैच ब्लॉक लगाना पड़ेगा या फिर बीच में से फाइनली ब्लॉक आप लोगों को हटाना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? तो अब की बार देखो, अब की बार प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो ट्राई फाइनली के बाद मुझे फिर से ट्राई कैच लगाना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ कैच ब्लॉक लगाते हो, ट्राई ब्लॉक नहीं लगाते हो, तो वो एरर थ्रो करवा देगा। ओके देन नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं यहां पर फाइनली ब्लॉक नहीं लगाता एंड ट्राई कैच के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ट्राई के अंदर मैंने फिर से ट्राई ब्लॉक लगा दिया, तो क्या ये चीज पॉसिबल है? ये देखो ट्राई के अंदर मैंने फिर से ट्राई कैच लगा दिया और नीचे की साइड कैच ब्लॉक, तो क्या ये चीज पॉसिबल है? सेव कर दिया मैंने प्रोग्राम, ये देखो अगेन ये चीज पॉसिबल है। ट्राई के अंदर मैं सेकेंड ट्राई कैच ब्लॉक लगा सकता हूं, आप नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक लगा सकते हो, जितने मर्जी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके देन अगर यही ट्राई कैच ब्लॉक मैं कैच के अंदर लगा देता हूं तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा? सेव करके देख लेते हैं। देखो प्रोग्राम कंपाइल किया मैंने, यहां पर वेरिएबल ई इज ऑलरेडी डिफाइंड, यहां पर आप ई वन या कुछ और नेम प्रोवाइड करो। ओके तो अगेन देखो मैंने कंपाइल किया प्रोग्राम, ये देखो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। डेट मीन्स के मैं कैच ब्लॉक के अंदर मैं दोबारा से ट्राई कैच ब्लॉक लगा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जब एक्सेप्शन मेरी कैच ब्लॉक हैंडल कर लेगा तो मैं दोबारा से ट्राई कैच ब्लॉक क्यों लगा रहा हूं? ये चीज देख लेते हैं। देखो अगर मैंने यहां पर फॉर एग्जांपल सीक्वल डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर दी और बाय चांस अगर उसके अंदर एक्सेप्शन आ जाती है तो मैं कैच ब्लॉक के अंदर बोल रहा हूं कि आप क्या कर दो, ओरेकल डेटाबेस के साथ आप कनेक्टिविटी कर लो। अब क्या ओरेकल डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करते टाइम क्या ये एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर सकता? कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो तभी मैंने कैच ब्लॉक के अंदर दोबारा फिर कैच ब्लॉक लगा दिया। क्लियर है पॉइंट? तो कैच ब्लॉक के अंदर मैं दोबारा से ट्राई कैच ब्लॉक लगा सकता हूं। एंड सेम क्या मैं ट्राई कैच ब्लॉक फाइनली के अंदर लगा सकता हूं? तो यहां देखो यहां पर मैं अगर ट्राई कैच ब्लॉक लगाता हूं तो क्या ये चीज पॉसिबल है? सेव किया मैंने, कंपाइल किया, तो ये देखो अगेन ये भी पार्ट पॉसिबल है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है पॉइंट? तो मैं नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक भी यूज कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? बट ध्यान रखना, अगर आप ट्राई लगा रहे हो तो ट्राई के साथ या तो आपको कैच ब्लॉक लगाना पड़ेगा या फिर फाइनली ब्लॉक लगाना पड़ेगा। एंड अगर आप पहले कैच ब्लॉक लगा देते हो तो फाइनली अगर लगाते हो तो उसके बाद ही लगाना है, फाइनली को मैं ट्राई के बाद नहीं लगा सकता। और अगर लगा भी देते हो तो फिर कैच ब्लॉक आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, ओके? अब अगर मैं यहां पर लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैंने यहां पर क्या किया, कोई दूसरी स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दी, तो क्या ये चीज पॉसिबल है? सेव करके देख लेते हैं। देखो अगेन मैंने कंपाइल किया तो ये देखो ये क्या बोल रहा है, ट्राई विदाउट कैच फाइनली और रिसोर्स डिक्लेरेशन। एंड सेकेंड एरर भी दे रहा है, कैच विदाउट ट्राई। एंड थर्ड एरर भी प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज फाइनली विदाउट ट्राई। तो ये तीन तीन एरर प्रोवाइड कर रहा है, क्लियर है पॉइंट? तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके माइंड में आते हैं इस टाइप से, वो आप लोग ट्राई कर सकते हो। और यहां पर आप लोग एरर भी देखते रहना कि अगर कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो एरर क्या प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज कई बार इंटरव्यू में ये भी पूछ लेते हैं कि ये वाली एरर क्यों आई है, उसका रीजन बताओ, कैच विदाउट ट्राई एरर क्यों आई है, उसका रीजन क्या है, क्लियर है पॉइंट? तो ये कॉम्बिनेशंस आप लोगों को ध्यान रखने, और किस टाइप की एरर, क्या एरर वो प्रोवाइड करता है, ये भी आप लोगों को चेक करना है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ओके? सो आई होप अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि ट्राई कैच एंड फाइनली के कौन कौन से कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं जावा के अंदर और कौन से नहीं है। अगर आप लोगों के माइंड में कोई न्यू कॉम्बिनेशन भी आता है तो वो भी आप लोग कमेंट के अंदर बता सकते हो, अगर कोई डाउट होता है तो वो आप लोग पूछ सकते हो, ओके? थैंक यू।